वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई सुबह सुबह मेरा पोपट हो चुका है। पोपट आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर हूँ, जो कि ये मेन धर्मशाला वाला रोड है और ये ऊपर मैकलो वाला। तो मेरे साथ पोपट क्या हुआ मैं दिखाता रुको आपको। जब मैं घर से निकला ना तो तब मेरी जो ये सुई की, रुको दिखाता, तब ये मेरे को इधर तक बता रही थी, मतलब इसमें बता रहा था कि फ्यूल है, पर बाद में पता चला कि ये सब पूरा सिस्टम ही ख़राब पड़ा हुआ है। और फिर क्या हुआ, इधर तक तो मैं आ गया पर उधर एकदम बीच में रुकी बस वाला हॉर्न मारता, आगे चल कहाँ जाना आगे। फिर काफ़ी देर फंसा रहा फिर धकेल के इधर तक ले आया मैं। अब तो नीचे थोड़ी न्यूट्रली है पर धर्मशाला के चौक में मेरे को फिर से धक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, इसमें थोड़ा सा तेल भी नहीं है। मैंने पहले देख सोचा था कि होगा, पर जल्दी जल्दी में मैं आ गया। तो अभी मेरे को पहले जाना है, मेरे को कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट नहीं करा तो मैंने खाना खाऊंगा, उसके बाद क्लासेस के बाद खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर कांगड़ा जाना है मेरे को। और एक और काम है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कि है मेरे को। मार्केट वाले रोड में लोग नहीं होंगे और तुम्हारा भाई धक्का मारेगा और कोई देखे कुछ नहीं है। फिर यहाँ से धक्का मारते हुए जाते, अगर यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है अभी इतना सा। अगर जब मंडे देखो शॉप्स वगैरह क्लोज है सबके सब, आज मंडे को धर्मशाला मार्केट बंद रहता है, मतलब फुल्ली नहीं, मतलब खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहते हैं, तो उसकी वजह से आराम से जा रहा हूँ मैं। वाह, तुम्हारे भाई ने प्रवेश कर लिया है पेट्रोल पंप में, अब यहाँ डलवाएंगे पेट्रोल। ये काफ़ी जल्दी में लग रहा है, सब देख रहे हैं अपने अपना खाली है। कॉलेज में पहुँचते ही कुछ ऐसा नज़ारा, कबूतरियाँ उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर पेड़ गिर चुका है और ये हमारा हेलमेट। धर्मशाला से निकल चुका हूँ मैं और अब जा रहा हूँ कांगड़ा। ओ भाई साहब देखो भाई, लैंडस्लाइड, तो अभी मैं जा रहा हूँ कांगड़ा स्कूटी की सर्विस कराने। ओ भाई साहब, तो इसका काफ़ी काम कराने को है मेरे को अभी, जैसे कि मतलब अभी ये ब्रेक लगा रहा हूँ मैं आगे वाली, तो मतलब खुद लग जा रही है, वो एकदम चिपक जा रही है वो भी, और बाकी इसके लैदर वगैरह चेंज करवाऊँगा मैं, वो भी पुराने से हो गए हैं। तो अभी मैं इधर वंडर वर्ल्ड वाले साइड पहुँचा हूँ और काफ़ी दूर है अभी तो मेरे को जाने के लिए, और धूप भी काफ़ी इधर ऊपर, तो बारिश लगी है, मौसम ख़राब है। और तो भाई साहब यार धूल उड़ा रहे हैं ना, आंखों में गंद जा रहा है बिल्कुल ही। वाइजर तो लगाया वैसे दूसरा वाला, पर इतना चौड़ा रोड होता था बिल्कुल गंद सा हो गया, ऊपर से आया सब कुछ। मैं हूँ वेटिंग रूम में महिंद्रा की और यहाँ अपनी सर्विस हो रही है। अब इसकी अच्छे से सर्विस करेंगे। अभी ये डलेगा महिंद्रा का लिक्विड इंजन ऑयल, ये आगे वाले लेदर जो, तो हमारा फिल्टर साफ हो रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप फिल्टर काफ़ी अच्छे से कितना काला हो गया है, इसकी धूल मिट्टी निकाल रहे हैं।
भाई सर्विस हो चुकी है और अब मैं करता हूँ पेमेंट और फिर चलते हैं यहाँ से घर की साइड को, घर की तरफ निकलते हैं घूमते घूमते आपको दिखा कुछ कांगड़ा ये ऐसा ऐसा है। तो गाइस मैंने ग्लव्स भी ले लिए हैं और अब देखते हैं इनके साथ कैसी अच्छी ग्रिप आती है। ओ, इतने टाइम बाद ग्लव्स के साथ राइडिंग करूँगा मैं। और स्कूटी की सर्विस भी करा ली है तो इसकी परफॉर्मेंस भी कैसी आती है वो भी दिखाता मैं आपको। चलो 3, 2, 1 लेट्स गो। मेरी सुई जो है मीटर की सुई जो है वो ख़राब हो चुकी है तो आप देख नहीं सकते कितनी स्पीड में हुए। चलते हैं बच्चे से इनको भाई आगे दिखाऊंगा मैं थोड़ा सा कैसे 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 अब राइड की जाती है। ओवरटेक करते हुए भाई मैं ध्यान से कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं स्पीड रेस लगा रहा हूँ ऐसे वैसे, जब खाली रोड आ रहा है मैं तभी इनको ओवरटेक कर रहा हूँ। ध्यान मत देने लग जाना कि अब तू ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, जहाँ भी कर रहा हूँ सही सलामत से कर रहा हूँ मैं। वाह वाह अब आगे आ गए भाई। ये दो बंदे मैं खेल रहा हूँ वो बात भी है, पर ये बाइक क्या फिर भी स्कूटी है और कस्टमर पर सबको पता कितनी हालत कंडीशन कितनी ख़राब रहती है इसकी। तो नहीं 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 तो ऊपर नहीं जाना, नहीं भाई ऊपर नहीं जाना यार, भाई लोग रह गए भाई। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है स्कूटी की अब तो सर्विस के बाद, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई अब। लंग्स भी काफ़ी अच्छे हैं भाई, देख सकते हैं फुल्ली ब्लैक दिखाता ही है, रास्ते कैसे हो गए देखना। रस्तों भी तो ऐसी जैसी मिल चुकी है, लैंड स्लाइड इतनी हुई वो अच्छी है ना, ब्रेकिंग भी काफ़ी सही लग रही है। और एक बात तो है जब कुछ होना होता है तब ब्रेकें भी नहीं लगती हैं, ब्रेकें लग के भी देखो वन साइड रोड बन गया, अभी एक साइड का बंदा जाएगा और ऊपर देखो भाई साहब क्या लैंड स्लाइड हो चुकी है। भाई रुक जा एकदम निकल गई अभी तो, मैंने एक्सीलेटर पहले वाला सिस्टम देख के दिया ना कि मैं सोचा कि अभी भी पुरानी वाली पावर होगी जो मतलब कम थी, सर्विस के बाद तो ऐसे हुई फिर निकल जा रही है।
कैसे हो भाई साहब, इधर क्या गिरा होगा, कोई भगवान से बच गया कोई भी नीचे अगर होता ना। पर एक तो समझ नहीं आ रही है सड़कें बना रहे कि तोड़ रहे हैं। वंडर वर्ल्ड वापस पहुँच गया मैं, तो ऐसा फील हुआ कि ऐसे कोई पीछे से डर हुआ कुछ बहुत अच्छे। जब मैं लीन कर रहा हूँ ना तो मेरे को लग रहा है मेरे टायर में हवा कम है, ये देखो ये देखो हवा कम लग रही है मेरे को, कुछ तो हो रहा है। रुक जा रुक जा रुक के देखो, जब भी मैं नीचे कर रहा हूँ तो मतलब टर्न ले रहा हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ गया, कुछ ना कुछ तो आई। इसकी हवा हवा तो है और पीछे वाले में इसमें भी है, फिर शायद मेरे को ऐसे लगा हो कि कुछ रेत बजरी या पत्थर आ गया हो तो मेरे को लगा हो ऐसे। पहले यार इधर मैं लीन करता था ऐसे गजब वाला, ये क्या नई साड़ी आ रही है। ये देखो अब मैं इधर करूँगा ना, नहीं कुछ नहीं हो रहा ऐसे, मेरा भ्रम ही है। गाइस गिरा तो गिरा, ठीक है मैं कर रहा हूँ देख लेंगे तो। तो गाइस अभी मेरे को ना थोड़ा सर दर्द हो रहा है, मैं सुबह से थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगली वीडियो के लिए पहले इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करें उसके बाद अगले वीडियो आपको मिल जाएगी।